नमस्कार, वेलकम टू नवनीताज किचन। आज बनाते हैं बहुत ही सिंपल, इजी एंड झटपट बनने वाली एक रेसिपी, चना दाल बर्फी। घर में मौजूद कुछ ही सामग्री से आप इस टेस्टी डेजर्ट बनाइए। घर में कोई त्यौहार हो या खुशी का मौका हो तो आप चना दाल बर्फी बना सकते हैं। होली आने वाली है, इस मौके पर भी आप चना दाल बर्फी बना के फ्रिज में एक हफ्ता पहले से इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं चना दाल बर्फी। चना दाल बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बॉल चना दाल लिया है। इस चना दाल को मैंने गुनगुना गर्म पानी में 3-4 घंटा भिगो के रख लिया है। अब इसका पानी ड्रेन कर लेंगे। चना दाल का पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। अब इस चना दाल को दूध में उबालेंगे 1-1.5 घंटा के लिए, चना दाल नरम होने तक। और दूध में मिलाएंगे 2 इलायची। इधर मैंने 1/2 लीटर दूध चढ़ा दिया है गैस में, दूध में उबाला गया है। अब इसमें डालते हैं 2 इलायची और चना दाल। चना दाल को अब एकदम लो फ्लेम में नरम होने तक उबालने देंगे। इस 1-1.5 घंटा में इसे आप बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहिए, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। इस चना दाल को मैं दूध में उबाल रही हूँ। आप चाहे तो पानी से भी उबाल सकते हैं, लेकिन दूध में ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 घंटा 15 मिनट हो गया है, देखते हैं दाल कैसा बना है। दाल अच्छी तरह नरम हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। दूध भी ऑलमोस्ट आधा सूख के हो गया है। दूध को ज़्यादा नहीं सुखाना है, इतना ही रखना है, क्योंकि दाल को पीसने के लिए भी थोड़ा दूध चाहिए। अब दाल और दूध ठंडा होने के बाद इसे पीस लेंगे। दाल ठंडा हो गया है, अब इसे पीस लेते हैं। दाल को पीसने के लिए मैं छोटा वाला ग्राइंडर जार यूज़ कर रही हूँ, ताकि दाल जल्दी स्मूथ हो जाए। दाल का मैंने स्मूथ पेस्ट बना लिया है, अब इसे निकाल लेते हैं। बाकी बचे दाल को भी इसी तरह से पेस्ट बना लेंगे। बाकी बचे दाल का भी स्मूथ पेस्ट बना लिया है, अब इसे भी निकाल लेते हैं। दाल को पीस के रख लिया है, अब जाएंगे इसका नेक्स्ट प्रोसेस में। चना दाल बर्फी बनाने के लिए चना दाल को पीस के रख लिया है, 4 इलायची पीस लिया है और लिया है काजू और बादाम। काजू और बादाम को पहले काट लेते हैं। बादाम और काजू को काट के रेडी कर लिया है। चना दाल बर्फी बनाने के लिए और लिया है 1/2 बॉल घी, 1 बॉल मिल्क पाउडर और 1 बॉल चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। चना दाल बर्फी बनाने के लिए पहले कढ़ाई में घी डालते हैं, आधा से ज़्यादा घी डाल देंगे। अब डालते हैं पेस्ट किया हुआ चना दाल। चना दाल के पेस्ट को घी के साथ अच्छी तरह भूनते हुए सुखा लेंगे। चना दाल को मीडियम टू लो फ्लेम में इसी तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलाते हुए अच्छी तरह से सुखा लेना है। चना दाल बर्फी में ऐसा ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन इसका भूनने का काम बहुत अच्छी तरह से करना होता है। चना दाल का पेस्ट आधा भून चुका है, इसमें फिर से थोड़ा घी डालेंगे और फिर से इसे भूनेंगे।
चना दाल भून चुका है, अब इसमें मिलाते हैं चीनी। चीनी को अच्छी तरह इसके साथ मिला लेंगे। चना दाल में चीनी मिलाने से चीनी पिघल के चना दाल फिर से नरम हो गया है, तो अब इसमें मिलाते हैं ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर। नरम रहते ही मिला लेते हैं मिल्क पाउडर। चना दाल ऑलमोस्ट भून चुका है, अब इसमें मिलाते हैं बाकी बचे घी। अगर आप हलवा खाना चाहते हैं तो इस स्टेज में गैस को बंद कर लीजिए, अगर बर्फी बनाना चाहते हैं तो इसे और भी सुखा लीजिए। चना दाल बर्फी बनाने के लिए डो बन गया है, अब गैस को बंद कर लेंगे और इसे प्लेट में सेट कर लेंगे। बर्फी को जमाने के लिए इस प्लेट में पहले थोड़ा घी लगा लेते हैं। इसे दबाते हुए प्लेट में सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा घी डाल के चम्मच की सहायता से इसे प्लेन कर लेंगे और घी लगाने से ऊपर का सरफेस ड्राई नहीं होगा। किनारों को भी अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। अब इसे ठंडा होने के बाद काट लेंगे। चना दाल बर्फी का डो जिसे मैंने सेट करके ठंडा होने के लिए रखा था उसे अब काट लेते हैं। इसे आप निकाल के डिश आउट कर लेते हैं। चना दाल बर्फी मैंने काजू के साथ गार्निश करके डिश आउट कर लिया है। इसे आप कोई भी त्योहार में बनाइए, खाने में ये जबरदस्त बनता है। सामने होली आने वाली है, इसे आप बना के एक हफ्ता तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए नया नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप सभी मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ।